Namaste, this is Astha Sani and welcome to the first class of Japanese Hacks Language Series. आज की वीडियो में हम जापानीज लैंग्वेज के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स जान लेते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप सोच रहे होंगे कि हमें जापानीज लैंग्वेज सीखने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसके लिए हमें तो किसी इंस्टीट्यूट जाना ही पड़ेगा या किसी बड़े लैंग्वेज स्कूल जाना पड़ेगा. तो ये मैं आपका मिथ दूर कर दूं कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट या लैंग्वेज स्कूल में जाके भी जापानीज सीखते हैं और वहां से अगर आपको सर्टिफिकेट मिल भी जाता है तो भी वो सर्टिफिकेट आपका ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड नहीं होगा. दैट मीन्स जापानीज कंपनीज अगर आपको जॉब देंगी तो वो आपका वो वाला सर्टिफिकेट नहीं मानती है. उसके लिए आपको एक जापानीज गवर्नमेंट जो टेस्ट कंडक्ट कराती है वो देना ही देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, JLPT. और ये इंडिविजुअली आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हो और सेंटर्स पड़ते हैं इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया 5 or 6 स्टेट्स में. आप वहां जाके अपना टेस्ट दे सकते हो और रिजल्ट आपका मेल पे आ जाता है. इंडिया में जहां सेंटर्स पड़ते हैं वो है न्यू दिल्ली, कोलकाता, पुणे, मुंबई, बेंगलोर एंड चेन्नई. तो यहां पर आप अगर इन स्टेट्स के में रहते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर इन स्टेट्स के आसपास रहते हैं तो वहां जाकर आप अपना टेस्ट दे सकते हैं और वो सर्टिफिकेशन जो होगी उसी सर्टिफिकेट से ही आपको कहीं पर भी किसी भी जापानीज कंपनी में जॉब मिलती है या फिर ग्लोबली आप रिकॉग्नाइज्ड माने जाते हो आपकी प्रोफिशिएंसी जापानीज लैंग्वेज में कितनी है. JLPT में टोटल 5 लेवल्स होते हैं, N5 से लेके N1 तक. और इसमें उल्टा होता है तो मतलब N5, N4, N3, N2, N1, जैसे जैसे हम N5 से N1 की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते जाएंगे. और अभी हम जो ये वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिक लैंग्वेज कोर्स से स्टार्ट हो रही है, तो इसकी हेल्प से आप JLPT N5 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. जापानीज लैंग्वेज को टफ लैंग्वेज क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स स्क्रिप्ट. जापानीज लैंग्वेज में 3 स्क्रिप्ट होती है, हिरागाना, काताकाना एंड कांजी. कांजी सबसे टफेस्ट मानी जाती है और हिरागाना जो है वो बेसिक कैरेक्टर्स जैसे होते हैं, हम ABCD सीखते हैं वो है. हिरागाना में वो सारे वर्ड्स इंक्लूड होते हैं जो कि जापानीज ओरिजिनेटेड हैं, मतलब कि जापानीज वर्ड्स जितने भी हैं वो हम हिरागाना में लिखते हैं. और फॉरेन वर्ड्स जो हैं, जो कि नॉन जापानीज वर्ड्स हैं, जैसे कि मेरा नाम, आई एम नॉट जापानीज, तो मेरा नाम हिरागाना में नहीं लिखा जाएगा, काताकाना में लिखा जाएगा. और भी जितने इंग्लिश वर्ड्स हैं अगर मैं लिखना चाहती हूँ जापानीज में तो वो काताकाना में लिखे जाएंगे. और कांजी जो है वो जो कि चाइना से ओरिजिनेट होके आई है जापानीज के पास, विच इज द टफेस्ट स्क्रिप्ट, वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जापानीज कैरेक्टर्स का. उसे हम आने वाली फर्दर वीडियोज में सीखेंगे. एक और स्क्रिप्ट है जापानीज में विच इज द इजिएस्ट वन, दैट इज रोमाजी. तो वर्ड्स जो है वो जापानीज ही होते हैं बट हम उसे इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे कि हम व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हुए लिखते हैं मेरा, तो विच इज MERA, वो है हिंदी वर्ड ही बट हम उसे इंग्लिश में लिख रहे हैं. तो ऐसे ही जापानीज वर्ड है पर हम उसे इंग्लिश में ही लिख रहे हैं तो उसे हम बोल देते हैं रोमाजी. तो आने वाली कुछ इनिशियल वीडियोज में हम जापानीज के बेसिक्स रोमाजी में ही सीखेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे स्क्रिप्ट लिखनी सीखेंगे. तो हमारे चैनल को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें. बाय बाय.